ठीक हो गया। फिर हमारे पास है डी सेवन, ये डी फोर, ये टू सिक्स और ये वन सेवन। ये एक और एग्जांपल है, इसके अंदर आपको एक समराइज्ड एड्रेस दिया गया है, समरी एड्रेस आपको गिवन है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस राउटर ने कौन कौन से जो नेटवर्क्स हैं उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन करवानी है। राउटर टू के पास ये समरी एड्रेस पहुंच गया है। अब इस समरी एड्रेस को देखते हुए हम अपने सबनेट्स बनाएंगे, फाइंड आउट करेंगे कि लेफ्ट साइड पे कौन कौन से सबनेट्स अवेलेबल हैं जिनका समरी एड्रेस ये बना है। बहुत आसान, बहुत ज्यादा। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पहला एड्रेस कौन सा है, यानी कि ये सबनेट नंबर क्या होगा, 192.168.144.0। ये तो है जी पहला सबनेट। अब और कौन कौन से सबनेट लेफ्ट साइड पर होंगे हमें वो कंप्लीट रेंज पता करनी है। ये 20 बेसिकली क्या बता रहा है कि आप नेटवर्क बिट्स कितनी लें, 20। इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि रेंज कहां तक जाएगी। ये देखें, अब यहां तक कितनी बिट्स हो चुकी हैं जी, 8, 8, 8 और आखिर में 0, यानी कि ये पोर्शन होस्ट का है और ये 0। ये तो क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क बन रहा है, /24। यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्लास सी के बाय डिफॉल्ट नेटवर्क्स को सुपर नेटिंग करने के बाद उसको /20 पर ले आए हैं। /24 के मास्क को /20 पर ले आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड ऑक्टेट की जो 8 बिट्स हैं उनमें 4 बिट्स को 1 कर दूंगा, जो इन्होंने किया है, और बाकी को क्या कर दूंगा, 0। ये इन्होंने काम किया है। और लास्ट ऑक्टेट तो वैसे ही हमारे पास सारा 0 है। ठीक है, इस साइड पे सारा 111 और ये भी सारा 111, यानी कि ये 16 बिट्स सो सारी 11 है। फिर उसके बाद थर्ड ऑक्टेट की 4 बिट्स 1 है, जिसकी वजह से ये /20 लिखा हुआ है। अब इन 4 बिट से इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या आ रही है, 1, 2, 4, 8, 16। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है जी, 16 का। दैट मीन्स कि इसके अंदर 16 नेटवर्क्स मजीद आएंगे। 144 प्लस 16 करता हूं, ये आंसर आता है 160। अब 160 इंक्लूड नहीं होगा हमने, बिकॉज टोटल 16 का इंक्रीमेंट का मतलब है टोटल आपके 16 सबनेट्स बनेंगे। अब 144 को हम शामिल करेंगे, 144 को शामिल करते हुए ये 159 तक टोटल 16 सबनेट बन जाएंगे। दिस इज द वे हाउ वी फाइंड आउट अबाउट द सबनेट्स, 192.168.159.0/20। यानी कि राउटर के इस साइड पर 144 से लेके 159 तक ये 16 सबनेट्स ऐसे हैं जो के मौजूद हैं। अब इसको मजीद समझने के लिए मैं आपको इसकी बाइनरी करके दिखा देता हूं, जो अभी हमने पीछे मेथड देखा था। 144 की बेशक आप बाइनरी बना लें, 144 की बाइनरी कैसे बनेगी, 128 प्लस 64 नहीं कर सकते, 32 भी नहीं कर सकते, तो 0 0
16 कर सकते हैं? नहीं जी, 16 128 प्लस 6 जी, बिल्कुल 16 हम कर सकते हैं। 16 से हम एग्जैक्ट 144 पे पहुंच जाएंगे। 128 जमा 16 144, और बाकी क्या हो जाएंगी ये जीरो। ठीक है, अब 159 की देख लेते हैं। हम बेसिकली क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई हमने सही फाइंड किए हैं कि नहीं। 159 की कैसे होगी जी? 128 इसको नहीं ऑन कर सकते, बिकॉज इसको ऑन करेंगे 192 हो जाएगा, 32 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा। ये देखिए, अब अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ये 160 हो जाता है, लेकिन मैं इसको ऑन करूंगा और इसके बाद 159 करना था तो ये सारी 1 हो जाएंगी। ये देखें, आप बेसिकली मैं लाइन कहाँ लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे लगा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे ग्रीन लाइन लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे, बिकॉज इसके बाद जो हमारी बिट्स हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। 1001 1001। अब इसका मतलब है 0000 से लेके, सॉरी 0000 से लेके 1111 तक ये बिट हमारी डिफरेंट है, और उसके बाद 1001 1001 ये सिमिलर है। तो अब ये जो सिमिलर बिट्स हैं, ये बेसिकली अब आपकी नेटवर्क बिट्स बन जाएंगी इन केस ऑफ सुपर नेटिंग। तो पहले 16 थी और अब आपने मजीद 4 ये ऐड कर ली, 2 ऑक्टेट्स की 16 थी और यहाँ की सिर्फ 4 बिट्स हैं, ये टोटल बन जाएंगी 20। अब आप ये भी गौर कर सकते हैं कि आपके 144 से लेके 159 तक ही बनते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे 1 कर देता, यहां पे 1 कर देता और ये सारी 0 कर देता, तो ये सारे फिर क्या आना था आंसर? 160। तो ये देखें, 160 इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं यहाँ 1 लगा देता हूँ तो फिर मेरा जो लाइन है वो कहाँ लगेगी? यहाँ पे, बिकॉज उसके बाद मेरी सिर्फ 2 बिट सिमिलर होती हैं, लेकिन जो हमें समरी एड्रेस गिवन है वो /20 है, मीन के हमारी 4 बिट सिमिलर हैं। तो 4 बिट सिमिलर किस केस में होती हैं? जब हम 144 से लेके 159 तक की बाइनरी बनाते हैं, तो तब हमारी ये 4 बिट सिमिलर आती हैं। प्रैक्टिस 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 अगेन। अब ये एक और एग्जांपल है कि लेफ्ट साइड पर आपको डिफरेंट सब नेटवर्क्स गिवन है, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट समरी टू R2, समरी रूट बनाएं R2 की तरफ जो हम भेजेंगे, वो क्या भेजेंगे? ये देखिए, हम इसमें /25 है, ये 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये 25 है। तो मींस आपने 25 बिट्स को कंपेयर करना है, फिर आप एग्जैक्ट लाइन तक पहुंचेंगे कि आपकी बिट्स कहाँ पे सिमिलर होती हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। इसके अंदर 1.6, 1.7 और 1.4.128/25। अब जो पहला सबनेट है, जो सबसे कम है, वो कौन सा है? 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4, ये 4.0 वाला है, 4.0 वाला। इसकी हम बाइनरी बना लेते हैं, और हम बाइनरी बना लेते हैं 4.128 की, लेकिन उसमें फिर हमारे पास ये 7 वाली नहीं आ सकेंगी, तो हम चारों की बना लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन करना आसान हो जाए, हम कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले 4.0 की बना लेते हैं,
बिकॉज 172.1 वो तो सबकी सिमिलर है, उस पहली 16 बिट्स को तो देखने की जरूरत नहीं है, पहली 16 बिट्स तो हमें पता चल गई है वो नेटवर्क्स में है। 4 की बाइनरी कैसे बनेगी जी, 0 0, ये 4 की बिट 1 होगी, फिर ये 0 0 0 0 और 0। 5 की कैसे बनेगी, ये 4 और ये 1 5, उसके बाद भी ये सारी 0, ठीक है। फिर हमारे पास है जी 6 6.0, 6 की कैसे बनेगी, ये जी 4, ये 2 6 और ये बाकी सब 0, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है जी 7, ये जी 4, ये 2 6 और ये 1 7, उसके बाद ये सारी 0, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जी है डॉट लगा लेते हैं, और एक है जी 0, ठीक हो गया, और एक है हमारे पास 4.128, यानी कि यही 4 के साथ ही ले लेते हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो। ये 4 डॉट ये 128 और उसके बाद ये चारों क्या हो जाएंगी 0। अब इस केस में क्या है, ये भी सारी जीरोज हैं, ये भी सारी जीरोज हैं और ये भी सारी जीरोज हैं। अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ये देखें यहां पे ये सारी 0 0 0 हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे लाइन लगा देता हूं लेट्स सपोज, तो ये देखें आपको ये जो 128 बिट वाली है यहां पर आपको फिर ये चेंज करना पड़ जाएगा। इसके अलावा आप इस ऑक्टेट में आ जाएं तो यहां पर अगेन चेंज, यहां पे अगेन चेंज, यहां पे फिर सिमिलर। तो मैं अपनी लाइन कहां लगा रहा हूं, गौर से देखिएगा, मैं अपनी लाइन लगाने लगा हूं, रेड लाइन लगाते हैं, 1 0 0 0 यहां नहीं लगा सकता, 0 0 1 0 1 नहीं लगा सकता, 0 0 1 0 1 नहीं लगा सकता। मैं अपनी लाइन कहां लगा रहा हूं, ये यहां पर जी। वेलकम बैक, तो हम ये एग्जांपल कर रहे थे, इसके अंदर ये देखें कि जो 5 नेटवर्क्स गिवन है हमें, मैंने उनकी बाइनरी में उनको कन्वर्ट कर लिया है। ये पहले वाला है 4.128 वाला, फिर ये 4.0, उसके बाद 5.0, 6.0, 7.0। अब हम लाइन कहां पर लगाएंगे, ये देखें, अब जहां पे बिट सिमिलर हो जाएंगी वहां पे हम लाइन लगा देंगे। ये यहां पे बिट जो है वो इस लाइन के बाद जो है वो बिट्स क्या हो जाती हैं, वो सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें इसके बाद ये सारी वंस हैं, फिर ये सारी इसी तरह 0 0 0, ये सारी बाकी जीरोज हो जाएंगी। अब इसका मतलब क्या है कि हमने अब समरी एड्रेस क्या देना है, स्लैश नोटेशन में अब हम क्या देंगे कि हमने ये 8 बिट्स ये भी होस्ट में चली जाएंगी और ये 2 भी होस्ट में चली जाएंगी, टोटल 10 बिट्स जो हैं वो होस्ट में चली जाएंगी। तो अब हम जो समरी एड्रेस देंगे वो हम देने लगे हैं /22 का, बिकॉज 10 बिट्स हमारी होस्ट में चली गई हैं। अब देख लें पहले क्या था, पहले 2 नेटवर्क थे /25 के और 3 नेटवर्क थे /24 के। हमने रूट समराइजेशन करते हुए इन 5 सबनेट्स का एक ऐसा रूट बना लिया है, एक ऐसा सुपर नेटवर्क बना लिया है जिससे हम इन 5ों सबनेट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो अब नेटवर्क एड्रेस क्या लिखेंगे, जो सबसे कम वाला है, दैट इज 172.1.4.0/22, दिस विल बी समरी रूट, और /22 को हम सबनेट मास्क में किस तरह लिखते हैं, 255.255
डॉट 252 डॉट 0। आगे चलते हैं। अब दीज आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, इनके अंदर आपने इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करनी है कि इनका समरी एड्रेस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग इसको किस तरह से करेंगे, और कल वाली क्लास में मैं आप लोगों से वन बाय वन ये करवाऊंगा। आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आपका ये टास्क चेक करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से किया, और वो रेंज में अपनी मर्जी से दूंगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 10 एग्जांपल्स हैं, और आई थिंक दिस इज लास्ट एग्जांपल जो मैं आप करवाने लगा हूं। ये देखें, इसके अंदर 172.16.1.0, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 15 है, फिर 7 है, 11 है, 6 है। अब सबसे जो पहला सबनेट है वो 1.0 का है, और जो आखिरी बन रहा है वो मेरे ख्याल से 15.0 का बन रहा है। बाकी सारे 6.0, 7.0, 5.0, 11.0, 10.0, ये सारे उनके दरमियान में है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तो है जी सिमिलर, यानी कि 16 बिट्स तो सिमिलर हैं ही हैं, स्लैश 16 तो आएगी ही आएगी। अब गिवन क्योंकि स्लैश 24 है, हमने कोशिश करनी है कि इसको समराइज किए करें और कम से कम बिट्स जो हैं वो नेटवर्क में शो करवाएं। एक्चुअली जो नेटवर्क है उसकी 24 बिट्स ही होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ राउटर बी को सिर्फ ये इसको समराइज करके देना है ताकि उसको अपने राउटिंग टेबल के अंदर ये सारे नेटवर्क्स ना ऐड करने पड़े, बल्कि वो एक ही समरी एड्रेस ऐड करे और वो बैकएंड पर इन सब नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो अब हम क्या करने लगे हैं, स्लैश 24 को कम करने की कोशिश करते हैं। एक नेटवर्क है जी वन का, वन की बाइनरी बना लेते हैं जी, वन, ये वन की बाइनरी होगी और इस साइड पे सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, जीरो। और आखिरी वाले की जो कि 15 है उसकी बना लेते हैं। 15 कैसे बनेगी जी, 1, 2, 4, 8, 16, तो 15 के लिए 1, 2, 3 और 4, ये बन गई जी 15। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है, इसके बाद सबका जीरो ही है, ये भी सारा पोर्शन जीरो है, ये भी सारा पोर्शन जीरो है। मैंने पहला और आखिरी वाला सबनेट लिख लिया है ताकि मैं आसानी के साथ जल्द अज जल्द जो है वो समरी एड्रेस फाइंड आउट कर सकूं। अब मैंने लाइन लगानी है, ये देखिए हम यहाँ पर ये 1-1 है, सिमिलर है, तो मैं यहाँ पर अब लाइन नहीं लगाऊंगा बिकॉज उसके बाद फिर ये डिफरेंट हो जाती है। मैं अब जो लाइन लगाने लगा हूं वो यहां पे लगाने लगा हूं बिकॉज इस लाइन के बाद मेरे ये सारी बिट्स जो हैं वो सेम हो जाती हैं, यानी कि मैंने अब 24 में से मजीद 4 बिट्स जो हैं वो कम कर दी हैं। अब मेरा समरी एड्रेस क्या बनेगा, 172.16.1.0 स्लैश 20। ठीक है, यानी कि सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255.255.8.8.16 होगी, और 4 बिट्स और ऑन हुई, ये मुझे देंगी जी 240.0। पहले क्या था, 255.255.255.0, पहले स्लैश 24 था, और अब क्या हो गया, 255.255.240.0 स्लैश 20 हो चुका है।